नमस्ते। आज मैं एक नए एज एडिक्शन के बारे में बात करूंगी, जो कोविड के पहले तो था ही, पर कोविड इरा में इसने ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना दिया है। वो है नोमोफोबिया या मोबाइल एडिक्शन। मैं हूँ डॉक्टर सीमा शाह, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट विद इनामदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे। तो ये एडिक्शन को हम कैसे अपने आप में या अपने परिवार वालों में पहचानेंगे? तो सबसे पहली साइन है कि सवेरे उठते ही मोबाइल को अपने हाथ में लेना और नोटिफिकेशंस, एसएमएस, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लोगों के प्रोफाइल स्टेटस चेक करते करते मोबाइल को बाथरूम तक ले जाना। दूसरी साइन होगी कि दिन भर ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल पर अपना वक्त बिताना। कोई भी नोटिफिकेशन आए या ब्रेक मिले तो तुरंत मोबाइल की तरफ ही अपना हाथ जाता है। परिवार और दोस्तों को समय कम देना। बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब घर पहुँचेंगे और कब मोबाइल अपने हाथ में लेंगे। ज़रूरत के सारे काम को नज़रअंदाज करना या टालना। जो आनंद शुरुआत के 10-15 मिनट में ही मिलता है, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए अभी ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताना पड़ता है। खाना खाते वक्त घर में या ऑफिस में भी सहयोगियों से बात न करके मोबाइल ही हाथ में लेना। हमेशा यही बेचैनी रहती है कि कोई नोटिफिकेशन आया चेक कर लें, या कोई अपने पोस्ट अपने अपलोड किया है, या कोई पिक्चर अपने डाली है तो उसको कितने लाइक्स आए हैं और किसने लाइक किया है, यही जानने की उत्सुकता रहती है। अगर किसी कारणवश अगर हमें मोबाइल चेक करने नहीं मिला, जैसे वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है या मोबाइल नेटवर्क ही डाउन है, या माता पिता ने अपने हाथ से अपना मोबाइल जब्त कर लिया है, तो चिड़चिड़ा हो जाना, बेचैन हो जाना। मोबाइल एडिक्शन के चलते अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, मोबाइल पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है और नींद नहीं आती है या नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि देर रात तक मोबाइल पे ही टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए अगले दिन सर दर्द, थकावट महसूस होता है और लोगों से दूर होते जाते हैं, और मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा देर चलने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं। तो कैसे इस लत से हम छुटकारा पा सकते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन से हमें डिजिटल डिटॉक्स एवं डिजिटल न्यूट्रिशन के कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि धीरे धीरे मोबाइल पे स्पेंड किया हुआ समय कम करना होगा। इसके लिए सबसे प्रथम तो हमें सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक का ही इस्तेमाल करें, ना कि मोबाइल का। बाथरूम में मोबाइल ले जाना बिल्कुल ही बंद करें। खाना खाते वक्त घर में या ऑफिस में मोबाइल्स को एक तरफ साइलेंट मोड पर रख दें। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के अलावा बाकी सारे नोटिफिकेशंस को स्विच ऑफ करें। सारे अनवांटेड ऐप्स को मोबाइल से निकाल दें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू करें। स्वयं के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें कि हर 45 मिनट्स में हम केवल 15 मिनट के लिए ही अपना फ़ोन चेक करेंगे, और धीरे धीरे ये समय सीमा हम बढ़ाकर जैसे हर 2 घंटे में 15 मिनट के लिए चेक करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। और इसकी सहायता के लिए अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर एंड्रॉयड में डिजिटल वेलबींग या iOS में स्क्रीन टाइम द्वारा हर अपने ऐप पर कितना समय हमने स्पेंड किया है वो ट्रैक कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम जैसे स्क्रीन टाइम के लिए टीवी का ही इस्तेमाल करें, ना कि मोबाइल का। जैसे हम हेल्दी रहने के लिए पौष्टिक खाना खाते हैं, वैसे ही डिजिटल न्यूट्रिशन का मतलब है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा जैसे जिसको हम जंक फूड कह सकते हैं, उसे हम कम टाइम दें और यूज़फुल इंफॉर्मेशन पर ही क्लिक करें जो हमारे काम या पढ़ाई के लिए यूज़फुल हो। और इसके लिए भी मोबाइल पे कम निर्धारित रहें और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एट्सेट्रा ज़्यादा पढ़ें। टू कंक्लूड, आई वुड से दैट मोबाइल इज़ अ नेसेसिटी इन टुडेज वर्ल्ड, एंड इफ़ यू यूज़ इट वाइजली वी कैन अवॉइड एडिक्शन। आज के वीडियो में हमने नोमोफोबिया या मोबाइल एडिक्शन के सिम्टम्स और उसे छुटकारा कैसे पाया जाए वो संक्षिप्त में हमने जानने की कोशिश की है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।